नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मेन मार्केट के बीचों बीच खड़े हुए हैं। नेहरू पैलेस मार्केट है और आप देख सकते हैं यहां पर तमाम किसान पहुंच चुके हैं। कम से कम 50 से 60 किसान यहां पर हैं और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि कुछ दुकानें जहाँ से भी अब ये किसान निकल रहे हैं, दुकानें अब धीरे धीरे बंद होती हुई नजर आ रही है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और आप देख सकते हैं तमाम किसान आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आज इस तरीके से किसानों ने पहले ही आह्वान किया था कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा। और अब आप देख सकते हैं कि दुकानदारों का भी समर्थन लेने के लिए जो किसान हैं, जो तमाम किसान हैं, वो अब मार्केट के बीचों बीच घूमते हुए नजर आ रहे हैं और अपील भी करते हुए यही नजर आ रहे हैं कि जितने भी जो दुकानदार हैं वो अपने दुकानें बंद जरूर कर दें। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और आप देख सकते हैं कि बहुत से दुकानदारों द्वारा समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। जितने भी किसान जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, लोग अपनी दुकानें बंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये दुकान के अंदर जाते हुए और आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर दुकानदारों से अपील भी की जा रही है लगातार। और जो बाहर जो दुकान के सामान रखा हुआ है, वो अब दुकानदार आप देख सकते हैं दुकानों के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए जो सामान दुकानों के बाहर है, वो उस सामानों को अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो किसान है अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज जो है, जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि आज भारत बंद रहेगा और दुकानदारों का समर्थन लेने के लिए अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे दुकानदारों का समर्थन मिल रहा है? आप पता ही है सबको भारत बंद है। आज भारत बंद के लिए उसके लिए सारे को हम मैसेज दे रहे हैं दुकानदारों को, अपने जिसने दुकान खोली है अपनी दुकानें बंद कर दें। तो सब ने बंद कर रखी है, हमारा सहयोग दे रहे हैं सब दुकानदार बद चढ़ के। तो सारा करनाल बंद है आज, हम इसलिए सबको मैसेज दे रहे हैं भी अपनी दुकानें बंद रखें। कई जगह दुकानें खुली हुई हैं अभी भी, कई जगह हाँ जी कई कई खुल रही हैं। उनको भी हम हाथ जोड़ के बेनती उनके कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी दुकानें बंद करो। 4 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है, आप एक दिन के लिए दुकान नहीं अपने बंद कर सकते। इसलिए हम सब दुकानदारों को मैसेज दे रहे हैं अपनी दुकानें बंद करो, तो किसानों को साथ दो बढ़ चढ़ के। आप देख सकते हैं 4 महीनों से किसान देशवासियों के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, आम जनता के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार वो यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम 4-4 महीनों से सड़कों पर बैठे हुए, तो क्या जो दुकानदार हैं वो केवल एक दिन के लिए भारत बंद को सफल बना सकते हैं? क्या वो एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर घर पर बैठ सकते हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत बंद का आह्वान किया हुआ था, दुकानें बंद करवाई जा रही है। हाँ जी, हम तो दुकानदार भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी किसान भाइयों का साथ दो, क्योंकि जो अंधी बोली मोदी सरकार जो अड़ियर रवैया लेके बैठा हुआ है मोदी साहब, तो उनको आंखें खुलवाने के लिए भी भारत बंद का हमारी किसान यूनियन ने आह्वान किया था। उसके चलते हुए हम अपने किसान दुकानदार भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी अपनी दुकानें बंद करें और किसान भाइयों का साथ दें। तो क्या लग रहा है, आमजन को भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा है, पीछे 3 महीने बंद रहा है, उसके उस टाइम तो किसी को इतनी दिक्कत नहीं आई, अब एक दिन के अंदर की दिक्कत कुछ नहीं आने वाली। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो कोरोना का सहारा लेके मोदी जी ने अपना मुल्क बेच दिया सारा, इसी कोरोना काल के अंतर ही इन्होंने सारा जो भी काले कानून बनाए हैं, जो देश को बेचने का काम किया है, इस पिछले 2020 के अंदर ही किया उन्होंने। तो अब दुकानदारों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, मोस्टली दुकानदार हमारे साथ हैं। उनको एक बार बोला है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, उन्होंने साथ के साथ अपने शटर डाउन कर दिए। आप देख सकते हैं सभी दुकानदार भाई जो खुले भी हैं, वो भी अपना जल्दी से जल्दी सामान अंदर करके। किसान है यहाँ पर जो पहुंचे हुए दुकानदारों को? यहाँ तकरीबन 500 के करीब किसान मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। कौन कौन सी जगह जाने वाले हैं करनाल के? ये पूरी पूरी मार्केट ही बंद करवा रहे हैं जी, पहले ये कर्न मार्केट बंद करवाई है, अब कुंजपुरा रोड की तरफ जा रहे हैं। जितने भी अपना दुकानदार भाइयों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी हमारा साथ दिया जाए। और सर, भारत बंद का जो अब समय है वो शाम तक रहने वाला है या फिर कल? शाम 6 बजे तक का समय है भारत बंद का, तो उसी के चलते हुए हम दुकानदार भाइयों को बोल रहे हैं अभी 6 बजे तक बंद रखें, उसके बाद अपना खोल सकते हो। तो आप देख सकते हैं 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान है। 6 बजे तक किसानों ने जिस तरीके से भारत बंद
करवाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 के करीब किसान है जो अलग अलग मेन मार्केट्स में इस वक्त घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मेन मार्केट्स में इस वक्त हाथ जोड़कर दुकानदारों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी दुकानें आज एक दिन के लिए बंद कर दें, क्योंकि आपके दुकानें बंद करने से ही इन किसानों को ये पता लगेगा कि हमें आप सबका समर्थन जरूर मिल रहा है। और अब आप देख सकते हैं सबसे पहले करण मार्केट में दुकानें बंद करवाई गई और अब कुंजपुरा रोड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुंजपुरा रोड पर आगे हाथों में किसानी के झंडे लिए हुए जो किसान हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुंजपुरा रोड पर भी जितनी भी दुकानें हैं दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए किसान यही नजर आ रहे हैं कि अपनी अपनी दुकानें आज एक दिन के लिए बंद कर दें। हालांकि पहले से ही ये सारी चीज़ें जो है बता दी गई थी कहीं ना कहीं कि आप एक दिन के लिए समर्थन ज़रूर दें किसानों को, एक दिन के लिए अपनी दुकानें ज़रूर बंद करें। और भारत बंद का जिस तरीके से जो आह्वान किसानों ने पहले से ही दिया था उसको सफल ज़रूर बनाए। और अब आप देख सकते हैं जो सामान दुकानों के बाहर लगा हुआ है उन सामानों को उठाकर शटर नीचे किए जा रहे हैं, यानी कि दुकानदारों द्वारा आम जनता द्वारा आम जन द्वारा समर्थन किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कि जो सभी दुकानें हैं ये बंद हो रही हैं। नेहरू पैलेस में इस समय खड़े हैं और इसके सामने आप देख सकते हैं कि सभी की सभी दुकानों को जो किसान है वो बंद करवा रहे हैं। और यहाँ पर समर्थन भी काफ़ी सारा सुबह से देखने को मिला है कहीं ना कहीं पब्लिक की तरफ से, लेकिन जो दुकानदारों ने दुकानें खोली हुई थी तो उनसे जो है विनती करते हुए और उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारा समर्थन करें और दुकानों को आज बंद रखें और जो ये अध्यादेश हैं तीन इन्हें इनका विरोध जो है ये जताने का एक तरीका जो भारत बंद जो आज किया गया है शाम के 6 बजे तक उसको लेकर यहाँ पर आपको बता दें पहले ही NH हाईवे वगैरह है वो तो सब खुले हैं लेकिन शहरों के अंदर जो सभी दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी। और काफ़ी सारे दुकानदारों ने जो है यहाँ पर दुकानें बंद रखी भी हैं लेकिन जिन दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं रखी हुई थी उन्हें जो है उनसे विनती की जा रही है कि आप हमारा समर्थन करें और ये विरोध आप इसी जरिए जाहिर करें कि अपनी दुकानों को बंद रखें और भारत बंद जो है वो पूर्ण रूप से सफल होना चाहिए। तो उसको लेकर यहाँ पर जो है देख लीजिए हाथ जोड़ते हुए अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए अपील कर रहे हैं सभी से कि दुकानें कृपया करके बंद रखें और लोगों से अपील इस खबर को शेयर करें। और अभी फ़िलहाल अगर आप आज के दिन कोई भी प्लान बना रहे थे तो फिलहाल शाम के 6 बजे तक भारत बंद है, तब तक के लिए कहीं ना निकलें क्योंकि कोई सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है और लगभग सभी दुकानें जो है बंद करी जा रही हैं। देख लीजिए नेहरू पैलेस के आसपास का सारा जो इलाका है, सब्जी मंडी के आसपास का सारा इलाका है वो उसे बंद करवाया जा रहा है क्योंकि और पूरे करनाल के अंदर जो है अलग अलग जगहों पर किसान जाकर इसे बंद करवा रहे हैं। कभी गाँव में जैसे घरौंडा में भी किसान जो है बसाड़ा टोल से घरौंडा की सारी मार्केट को बंद करवाया गया। और हाथ जोड़कर आप अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के दुकानदारों से यही अपील कर रहे हैं सिर्फ एक दिन 6 बजे तक बंद कर दो। 4 महीने से किसान वहाँ बैठा है बॉर्डर पे उनकी तरफ देख के एक दिन बंद कर दो सिर्फ, बस यही अपील कर। समर्थन कुछ मिला भी है लोगों का? हाँ, पूरे बाजार का पूरे दुकानदारों का समर्थन मिल रहा है, साथ के साथ ही बंद कर रहे हैं। और आसपास कुछ दुकानदार उनसे बात करते हैं। सर जैसे किसान हैं यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ इसके बारे में कि जैसे बंद है तो आप समर्थन करते हैं या क्या कहना चाहेंगे? नहीं करते समर्थन, नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर मिला जुला जो हिसाब सा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर उन्हें उनके अंदर जो भावना है वो कहीं ना कहीं ये है कि शायद वो अपनी दुकानों को जो मतलब चाहते थे कि दुकानें खुलें, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग जैसे एक व्यक्ति उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो कह रहे समर्थन कर रहे हैं। तो कुछ मिला जुला हिसाब सा है लेकिन आगे और दुकानें हैं, कुछ और दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है क्योंकि किसानों का समर्थन तो लगभग ज़्यादातर दुनिया ने किया है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सभी दुकानें हैं वो लगभग सर क्या कहेंगे आज दुकानें बंद कराई जा रही हैं, आप समर्थन करते हैं इसका? समर्थन क्या करें, काम तो पहले ही नहीं है, क्या समर्थन करें, सेल रुपये में चुनी भी नहीं है, अब दो दो तीन तीन वर्कर काम कर ले पल्ले से नहीं उनको, आप समझदार हो तो कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, अब क्या कहना, जबरदस्ती आप क्या कहना चाहेंगे, आज किसान है वो मतलब बंद करवा रहे हैं तो समर्थन करते हैं या नहीं करते? सुबह कराना चाहिए था ना, इस टाइम कराने का क्या तुम था, सब दुकान लगा के बैठे हुए हैं अपना। हाँ जी, किसानों को समर्थन दे रहे
सभी दे रहे हैं, देना भी चाहिए। यहाँ पर आसपास के जो दुकानदार हैं कुछ कुछ की यही कहना है कि वो काम नहीं है तो दुकानें बंद करवा रहे हैं, पहले से ही काम जो है ठप है। लेकिन कुछ दुकानदार फिर भी देख लीजिए, खिलौनों की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें बता दें, नेहरू पैलेस के पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं खिलौनों की, और खाने पीने के स्टॉल हैं, और बड़े बड़े शोरूम्स हैं, ज्वेलरी शोरूम्स हैं, और काफ़ी बड़े बड़े मतलब इसी तरह के शोरूम्स हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज, क्या समर्थन करते हैं किसानों का, या क्या कहना चाहेंगे दुकानें बंद करवाई जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी ये राय है, क्योंकि पिछले कई महीनों से आम जनता बड़ी परेशान हो रही है, किसी के घर बीमारी होती है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, किसी के यहाँ संतान का कोई है, तो इतनी परेशानी होती है मैं कह नहीं सकता। सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ और किसानों से भी कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, ऐसा मैं अनुमिनय करूँगा। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है, शायद इसी वजह से आंदोलन इतना चल रहा है। बिल्कुल, दोनों को ही मिलकर कोई समाधान निकाल लेना चाहिए, काफ़ी लंबा समय हो गया है और जनता बेहद परेशान है। मैं कह नहीं सकता, जो डेली पैसेंजर आते हैं वो निरंतर 20-30 किलोमीटर दिल्ली फालतू जाते हैं और बेहद दुखी होकर आते हैं। सभी से प्रार्थना है कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, मतलब खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, जनता को भुगतना। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दुकानदार हैं आसपास, ज़्यादातर दुकानदार मतलब ऐसे हैं जो समर्थन दे रहे हैं, ऐसे भी दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि काम पहले नहीं था और अब जो है दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी खिलौनों की दुकानें हैं, ज्वेलरी शोरूम है, खाने पीने के स्टॉल हैं, और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, काफ़ी जो है बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पर। तो लोगों से अपील है इस खबर को शेयर करें। और फिलहाल जो है यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि इनसे जनाब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार को कोई इसका हल निकालना चाहिए, वरना ये आंदोलन कब तक चलेगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खमियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। किसान अपनी जगह परेशान है, आम जनता अपनी जगह परेशान है, लेकिन सरकार को सूझबूझ के साथ जो है इसका हल निकालना चाहिए। तो जितना हो सके IBN 24 पर फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जाएंगे।